हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का सैम्पल पेपर, जो कि सितंबर एग्ज़ाम का है। तो 11th क्लास के भी सैम्पल पेपर नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही आए हैं, तो जो जो मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 11th के आर्ट्स के, कॉमर्स के, तो बेटा अभी तक आपके सैम्पल पेपर आए नहीं हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के फिजिक्स के सैंपल पेपर को। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ कल तक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स क्लास 11 फिजिक्स का, जो कि आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर आने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, चार चैप्टर आने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चार चैप्टर आपने जो है सितंबर एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। अब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का काम आएगा, चलिए उसके डिस्कस कर लेते हैं हम। तो 1 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर से 7 क्वेश्चन आएंगे, मींस एमसीक्यू टाइप। काइनेमेटिक्स से 11 क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ मोशन से 6 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल 28 क्वेश्चन होंगे जिनके सब पार्ट्स होंगे। 2 मार्क्स के जो है आपका क्वेश्चन, चैप्टर 1 से जो है 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, काइनेमेटिक में भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन में आपका 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में आपको 2 थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और 2 न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। टोटल कितने आ जाएंगे आपके, 7 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स के, 14 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने लॉ ऑफ मोशन तैयार करना है, उसमें 3 थ्योरी वाले क्वेश्चन और 3 ही क्या आएंगे, न्यूमेरिकल। उसके बाद आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी से। टोटल मीन्स 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 18 मार्क्स का, ठीक है। अब 5 मार्क्स के लिए आपने कौन सा चैप्टर तैयार करना है, 5 मार्क्स के लिए आपने काइनेमेटिक तैयार करना है, इसमें 2 आएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे 5 5 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स का। तो ये आ गया आपका टोटल मार्क्स, 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, तो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है कि किस में इंटरनल चॉइस आएगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तो आपके मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 जो 7 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और उनके साथ चॉइस होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में थ्योरी टाइप क्वेश्चन एंड 1 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इन चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन 9 to 4 जो है टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे और इसके बीच में भी इंटरनल चॉइस होगी, एक यूनिट और सेकेंड यूनिट, ठीक है। मतलब यूनिट सेकेंड और फोर्थ में चॉइस होगी, फर्स्ट और सेकेंड में चॉइस होगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेना, मतलब यूनिट 1 और 2 अच्छे से तैयार कर लो, यूनिट 2 और 4 में तो यहाँ चॉइस आ ही जानी है आपको, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन होगा और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही आपको इंटरनल चॉइस आएगी, ठीक है। और उसके बाद वैसे यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने कि मोशन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। क्वेश्चन नंबर 16 विल बी मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, वैक्टर और प्रोजेक्टली एयर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके पढ़ लेना, ठीक है, फिजिक्स में। आइए आपको सैम्पल पेपर शो करते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चों आपका सैम्पल पेपर क्लास 11 फिजिक्स का 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, तभी मैं उसी क्लास के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँगी जिसकी गैदरिंग ज़्यादा होगी चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल पेपर आपका फिजिक्स का, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताए सेम एज इट इज़ वही हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट लो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम पर जाके आपने कल्पना 17 सर्च कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है कल तक मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिला दिया करो, कई बार मैं भूल जाती हूँ ना पीडीएफ डालना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप देखते जाओ, ठीक है।
आगे ये ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे आपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देख के करना है। सेक्शन बी पे आ जाते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक उसके साथ चॉइस, सेम एज इट इज़ सारे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन 6, 7, 8, सभी के साथ एक एक चॉइस। सेक्शन सी में आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें भी सभी में क्या है, इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, उसके बाद सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है आप देख सकते हो ये दो क्वेश्चन, दोनों में क्या है, चॉइस है, ठीक है। इसमें प्रॉपर देखो यहाँ पे मार्किंग दे रखी कि फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसके 2 मार्क्स होंगे, सेकंड पॉइंट के 1 मार्क्स, थर्ड पॉइंट के 1 मार्क्स और उसके लास्ट के 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयार करना। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।